हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक मिक्स। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, अक्सर सड़क पर चलते हुए हमें सफ़ेद और पीली लाइंस दिखाई देती हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सड़क पर बनी इन लाइनों का क्या मतलब होता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सड़क पर ये पीली और सफ़ेद लाइनें खींची ही क्यों जाती हैं। सबसे पहले आती है ब्रोकन व्हाइट लाइन। आपने अक्सर रोड पर ब्रोकन व्हाइट लाइन देखी है। इसमें रोड के बीच बीच में कुछ गैप से सफ़ेद लाइन बनी होती है। यह लाइन इंडिकेट करती है कि आप अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कोई खतरा नहीं लग रहा है तो आप ओवरटेक और यू टर्न भी कर सकते हैं। दूसरी होती है सॉलिड व्हाइट लाइन। यदि आप ऐसी रोड पर चल रहे हैं जहाँ सॉलिड व्हाइट लाइन यानी सफ़ेद सी सीधी पट्टी बनी हुई है, तो यह इंडिकेट करती है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं और न ही यू टर्न ले सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको अपनी लेन नहीं बदलनी है और जिस लेन पर चल रहे हैं उसी पर चलते रहें। डबल येलो लाइन। जिस सड़क के बीचों बीच डबल येलो लाइंस बनी होती है, वहां पर आप लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। अक्सर ये टू लेन रोड पर होती है और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे वाहनों से दुर्घटना को टालने के लिए यह नियम बनाया गया है। सिंगल येलो लाइन और ब्रोकन येलो लाइन। ऐसी रोड जिसमें एक सिंगल येलो लाइन और उसके पास में ही ब्रोकन येलो लाइन हो, तो इससे यह पता चलता है कि यदि आप ब्रोकन लाइन की तरफ से ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। वहीं यदि आप सॉलिड लाइन की तरफ से ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ओवरटेक बिल्कुल नहीं कर सकते। एक और लाइन होती है ब्रोकन येलो लाइन। इस लाइन का मतलब होता है कि आप इस लाइन पर ओवरटेक कर सकते हैं, मगर आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये थी सड़क और उससे पाए जाने वाले विभिन्न लाइन्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।